आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज एक साग की बात करेंगे। गुड़री साग आप देख पा रहे होंगे। इसके पत्र का हम साग बनाकर इस्तेमाल करते हैं। गुड़री साग भी कहते हैं। और इसका जो फ्लावर आप देख रहे हैं, इस फ्लावर को आप देखेंगे तो लगेगा कि आपकी जैसे मछली की आँख होती है, इस तरह से लग रहा है। तो इसको मत्स्याक्षी भी कहते हैं। साइंटिफिकली इसको अल्टरनेंथिरा सेसेलिस कहते हैं। सेसाइल फ्लावर्स होते हैं, इसलिए इसको सेसेलिस कहते हैं। गोमफ्रीना सेसेलिस भी इसी को कहा जाता है। एमरेंथिसी कुल का प्लांट है। मित्रों, इसका साग जब हम सेवन करते हैं तो शरीर को पोषण देने का कार्य करता है। एनीमिया की कंडीशन को ठीक करता है। हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स की कमी को पूरा करता है और आयरन के कंटेंट को शरीर के अंदर बढ़ाता है। इसका आप साग बनाकर सेवन कर सकते हैं। साथियों, पूरे प्लांट का आप सुखाकर पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को जब आप काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं, डिकॉक्शन बनाकर सेवन करते हैं, तो ब्रोंकाइटिस की समस्या को ठीक करता है, अस्थमा की समस्या को ठीक करता है, लंग्स को, एयरवेज को क्लियर करके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है। मित्रों, पित्त जनित बुखार हो जाता है उसको भी ठीक करने का ये कार्य करता है। ये न्यूट्रिशियस भी है और शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने का कार्य भी करता है। साथियों, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य भी करता है और डाययूरेटिक प्रॉपर्टी इस प्लांट की होती है। डाययूरेटिक का कार्य होता है शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना, यानी कि ये पेशाब के रास्ते शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ब्लड के अंदर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाइपरटेंशन की समस्या को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो उसको ठीक करता है, जनरल बॉडी रेजुवनेटर का अच्छा कार्य करता है। साथियों, इसका सुरस का आप अगर सेवन करते हैं तो बढ़े हुए पित्त के कारण अनिद्रा की जो समस्या होती है, नींद न आने की जो समस्या होती है, वो ठीक हो जाती है। कोमल पत्र जो आप देख रहे हैं, इस कोमल पत्र को आप निकाल कर डायरेक्ट भी सेवन कर सकते हैं, टेस्टी होता है और साग के रूप में तो आप इसको बनाते ही हैं। नीचे इसके राइजोम होता है, उसके माध्यम से इसका प्रोपेगेशन होता रहता है और ये जो नोड्स होते हैं यहाँ से भी इसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। अल्टरनेंथिरा सेसेलिस, गोमफ्रीना सेसेलिस हाईली इफेक्टिव प्लांट है। वैसे तो समस्त भारत में खरपतवार के रूप में देखने को मिलता है। एलिलोकेमिकल इफेक्ट इस प्लांट का होता है। नेचुरल हर्बिसाइड तैयार करने के लिए आप इसकी चॉपिंग करके और कई प्रकार के जीवामृत बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये जानकारी आज आपने ली है, इसको आप साझा कीजिए, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कीजिए, अपने उत्तम स्वास्थ्य का संरक्षण कीजिए। मित्रों, जो व्यक्ति किचन गार्डन में इंटरेस्ट रखते हों, जिनको प्लांट का संरक्षण का शौक हो, उनको लगाने का शौक हो, इस मौसम के अंदर यानी कि मई से लेकर जुलाई अगस्त तक आसानी से देखने को मिलता है। वेस्ट लैंड हों, चाहे आप पार्क में अगर कहीं घूमने जाते हों, वहाँ आप देखेंगे तो आसानी से मिल जाता है। आप इसकी ट्यूब को ले आइए, अपने गमलों में लगाइए। शरीर को पोषण देने के साथ साथ आप इसका काढ़ा बनाकर अगर स्प्रे करते हैं तो नेचुरल हर्बिसाइड का भी कार्य करता है। एलिलोकेमिकल इफेक्ट इसके अंदर पाया जाता है। दुग्ध वर्धन का भी ये कार्य करता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है और बैकएक की समस्या, जो कमर में दर्द होता है, उसको भी ठीक करता है। तो शरीर के टॉक्सिन्स को निकालते हुए, पोषण देने का कार्य करते हुए, पित्त का शमन करते हुए वंडरफुल न्यूट्रास्यूटिकल है। आप इसको अपने गमले में संरक्षित कीजिए और इसके साग बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल सुबह 6:30 बजे फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।